देखिए बच्चों, अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पहिया तथा धुरी पर आधारित प्रश्न है। ठीक, पहिया तथा धुरी पर आधारित प्रश्न है। आपको हमने सारे मशीन पढ़ा चुका हूँ, 9-10 मशीनें थी, हमने सारा बता दिया है। उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है इस पहिया धुरी पे, एक पहिया तथा धुरा के अर्धव्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और घर्षण शून्य मानते हुए, घर्षण शून्य का मतलब आदर्श मशीन, घर्षण शून्य का मतलब क्या हो गया, आदर्श मशीन मानते हुए यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। दिया है हल में पहिए यहाँ अर्धव्यास का मतलब यह है त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या मान लेते हैं आर है, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जो धुरा है, धुरा की त्रिज्या स्मॉल आर है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि आदर्श मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा बराबर 1 या 100%। इसका मतलब यांत्रिक लाभ बराबर वेगा अनुपात होता है और वेगानुपात का फॉर्मूला होता है आर बटे स्मॉल आर। तो इसका मतलब यह है कि एम ए बराबर आर बटे स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर और इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एम ए बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सरल एंड पहिया पे। एक सरल पहिया तथा धुरी में पहिए का व्यास 150 मिलीमीटर है तथा धुरी का व्यास जो है 30 मिलीमीटर है। यदि मशीन की दक्षता 60% है तो 500 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितनी आवश्यक प्रयास लगेगा। पहली बात तो ये है कि हम पहला हल में चलते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है पहले उसे लिख लें। दिया है क्या क्या दिया है, पहिए का व्यास, पहिए पहिया का व्यास अर्थात डी बराबर कितना दिया है 150 मिलीमीटर, और हम टू कैपिटल आर बराबर त्रिज्या में बदल दें तो 150 मिलीमीटर अर्थात आर बराबर हो जाएगा 75 मिलीमीटर। इसी प्रकार यदि हम धुरा की बात करें, धुरी का व्यास हम बात करें तो हो जाएगा स्मॉल डी बराबर कितना दिया है 30 मिलीमीटर, अर्थात टू स्मॉल आर बराबर हो जाता है 30 मिलीमीटर अर्थात आर बराबर हो जाएगा 15 मिलीमीटर। यस, आगे चलते हैं। पहिया और धुरी के बीच में जो हमारा फॉर्मूला होता है वेग अनुपात का, वेग अनुपात वी आर बराबर होता है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, इसका मतलब 75/15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 अर्थात 5 आ जाएगा, तो वी आर बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। और हम जानते हैं कि हमें जो हमारा दूसरा जो दिया है ईटा की वैल्यू दिया है, ईटा कितना दिया है 60% दे रखा है। यदि हम 60% को हम बिना प्रतिशत के बना दें, ठीक 100 से भाग दे देना पड़ता है प्रतिशत हटाने के लिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 0.6। यस, तो ईटा बराबर हो जाएगा 0.6। और हम जानते हैं कि ईटा बराबर अर्थात दक्षता बराबर होता है, दक्षता बराबर ईटा बराबर होता है एम ए बटे वी आर। एम ए को लिख सकते हैं डब्लू बटे पी और इंटू वी आर लिख सकते हैं। यहाँ से हमें प्रयास निकालना है,
पी बराबर हो जाएगा डब्लू बटे कितना हो जाएगा ईटा इंटू वी आर। यस, और 500 का बल दिया है, 500 के बल पे हमें निकालना है, तो 500 न्यूटन बटे पी ईटा की वैल्यू है 0.6 इंटू वी आर की वैल्यू हो गई 5, 5 से काट देंगे और दशमलव हटा देंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काट दिए 100 आ जाएगा, 100 में 1000 हो जाएगा, 0 केवल 6 आएगा, और इसे जब भाग देंगे 1.66.66 ओके न्यूटन हो जाएगा। और यदि हम इसमें सार्थक लगा दें, अंक सार्थक अंक लगा दें तो 166.7 न्यूटन हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल पहिया पे। एक सरल पहिया तथा धुरी में प्रयास पहिए तथा धुरी की त्रिज्या क्रमशः 240 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर है। मतलब एक पहिए का जो है 240 है और जो धुरी का है वो 40 मिलीमीटर है। तो मशीन की दक्षता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है दक्षता। बट कहता है कि यदि दक्षता तभी ज्ञात होगी जब 120 न्यूटन का प्रयास लगाया जाए और वह 600 न्यूटन का भार उठा सकता है। तो क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। दिया है पहिए का त्रिज्या, इस बार त्रिज्या दे रखा है, पहिए का त्रिज्या दिया है 240, क्या दिया है 240 मिलीमीटर, और धुरी का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 40 मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद जो है प्रयास दे रखा है पी बराबर कितना 120 न्यूटन। उसके बाद भार दे रखा है 600 न्यूटन। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर निकालेंगे। वी आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जो है वो 240 मिलीमीटर है और ये 40 मिलीमीटर है, ये कट के 4×6 अर्थात 6 आएगा। वी आर की हमारी वैल्यू आ गई 6 और हमें ईटा बराबर निकालना है अर्थात दक्षता। तो एम ए बटे वी आर, एम ए की फॉर्मूला होता है डब्लू बटे पी इंटू वी आर। ठीक, तो इसका मतलब यह है बच्चों, यदि इसे प्रतिशत में निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डब्लू बटे पी इंटू वी आर इंटू 100% हो जाएगा। इसका मतलब W की वैल्यू दे रखा है 600 गुणे 100 बटा पी, पी की वैल्यू दे रखा है 120 गुणे वी आर की वैल्यू दे रखा है 6%। थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसे काट देंगे तो 1000/12 आएगा प्रतिशत। यदि इसे हम 1000/12 में भाग देंगे तो 83.3% आएगा ईटा बराबर। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर।